केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने दावा किया है कि उनके पिता के सामने पूरी दिल्ली नतमस्तक है। दरअसल कार्तिकेय सिंह ने शुक्रवार को सीहोर जिले के विधानसभा क्षेत्र के भिरुंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पिता के सामने दिल्ली नतमस्तक है। उन्होंने कहा, मैं अभी दिल्ली में रहकर लौटा हूं। पहले भी हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि जब वह मुख्यमंत्री नहीं है तब वह अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। कार्तिकेय सिंह ने आगे कहा, अब जब हमारे नेता इतनी बड़ी जीत हासिल करके गए हैं तो पूरी दिल्ली भी आज उनके सामने नतमस्तक है। पूरी दिल्ली भी उन्हें जानती है, पहचानती है, उनका सम्मान करती है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम शीर्ष नेताओं की गिनती करें तो हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान का नाम उस सूची में आता है। आपको बता दें कि भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 8.20 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्तिकेय सिंह के इस बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह बयान बताता है कि दिल्ली डरी हुई है और बीजेपी के अंदर असंतोष का डर है। पटवारी ने एक्स पर लिखा, शिवराज जी के युवराज कह रहे हैं कि दिल्ली डरी हुई है, यह 100% सच है क्योंकि देश भी डरे हुए तानाशाह को ध्यान से देख रहा है। जीतू पटवारी ने कहा, भाजपा के भीतर असंतोष की आवाज उठने, बड़े नेताओं की बगावत, गठबंधन प्रबंधन सरकार को समर्थन कम होने और कुर्सी के हिलने का डर।